सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो बच्चा महीनों पहले ही जाया हो चुका है। उन्होंने हम सबसे ये बात छुपाई और एक भयानक मंसूबा बनाया। वो किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर महल में लाने वाली थी। हम नया आलमी निजाम कायम करने जा रहे हैं, ऐसा निजाम जिसमें सिर्फ हमारा फायदा होगा। सारे बैंक हमारे हैं। हम ये शादी बरकरार नहीं रखना चाहते, लेकिन हमें बाबा को वजाहत पेश करनी होगी। ये खत 50 साल पहले लिखा गया था। इसमें ऑस्ट्रिया और पर्शिया के दरमियान और उस्मानियों और रूसियों के दरमियान होने वाली जंग के बारे में लिखा है। तो बताओ नौजवान, क्या तुम यह अंगूठी पहनना चाहोगे? वो लिबास कहाँ है जो हमने हादसे के दिन पहना हुआ था? मैंने वो लिबास धुलने के लिए दे दिया है। उसे अभी यहाँ लाइए जुल्फत। होलो पाशा, इस कमेटी के निगरान होंगे, लेकिन अभी सरबरा का फैसला नहीं किया हमने। वो काफी दिनों से अपने कमरे में ही है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? फिक्र की कोई बात नहीं है। हंदान बिल्कुल ठीक है। पाए तख्त में खुश आमदी लैला साहिबा। लैला नहीं, शिवनास। आपकी फराहम करदा तमाम मालूमात अहम थी, रियासती लाए अमल के लिए मशल राह साबित हुई। रियासत आपकी खिदमात कभी फरामोश नहीं करेगी। मैं रियासत का शुक्रगुजार हूं सुल्तान मौसम। मेरे पास जो कुछ भी है वो रियासत ने दिया है मुझे, वरना मैं इस काबिल नहीं था। हमें और इस रियासत को आप जैसे लोगों की जरूरत है, जो इन बातों की अहमियत को समझते हैं और हमेशा रियासत के दिफा के लिए तैयार रहते हैं, रियासत के मफाद को अपने मफाद पर तरजीह देते हैं। थक गए होंगे आप, कुछ देर आराम कर लें। माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, लेकिन आपने आखिरी बार आराम कब किया था? मैं जानता हूं कि सुल्तान को आराम करने का मौका नहीं मिलता। अगर रियासत का सुल्तान आराम नहीं कर सकता तो मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर आपका अगला फरीजा पाए तख्त में है। फहीम पाशा रियासत की खिदमत करते हुए शहीद हो गए। वो इस शहर के बेहतरीन मुहाफिज थे। कुछ लोग इस शहर में सूरज तुलू होते हुए देखते हैं, कुछ आया सोफिया को देखते हैं, और कुछ लोग आपनाए बास्फोरस को देखते हैं, जबकि इसके बरक्स कुछ लोग इस शहर की तारीख रातों में आंसू बहाने वालों को देखते हैं। आपकी जिम्मेदारी होगी कि इस शहर के तारीख रास्तों को रोशन करें। पाए तख्त को बुरे लोगों से साफ करना है। जिस दिन से तुर्कों ने इस शहर को फतह किया है, उस दिन से हर वक्त हर लम्हा हम दिलों में इसकी फतह का जश्न मनाते हैं। जो लोग इस शहर की खुशियां छीनना चाहते हैं, उनसे लड़ना होगा आपको।
खलील का मतलब है दोस्त, मजलूमों से दोस्ती करें। खालिद नाम की निस्बत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनके अजीम सिपहसालार हजरत खालिद बिन वलीद के हवाले से है। दुआ है कि आपकी तलवार भी उनकी तलवार की तरह शहर के दुश्मनों पर भारी साबित हो। इस काम में तुम भी इनके साथ होगे। फहीम पाशा इस शहर में अपनी तलवार अपने तरीके से चलाया करते थे, चूंकि अब वो नहीं रहे इसलिए शहर के दुश्मनों ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं जिनकी तफसीलात का इल्म नहीं हो सका है, लेकिन खुफिया जराए से मालूम हुआ है कि शहर अफरा तफरी का शिकार है। कैसिक निकोल उन लोगों में से एक है जिसे फहीम पाशा ने कैद कर रखा था। गिरफ्तारी से कबल ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था, अफ्यून फरोख्त करता, कमार खाने चलाया करता और ताजरों का माल लूटा करता था। सुल्तान मौजम, अगर ये कैद में है तो कोई मसला नहीं, फरार हो चुका है ये। किसी ने अंदरून खाना इसकी मदद की है। जिसने भी ऐसा किया है वो पाए तख्त के निजाम को तबाह करना चाहता है और आप इस निजाम की हिफाजत पर मामूर हैं। उन सिपाहियों से मेरी जान किस दिलेर ने बचाई? मैंने बचाई है। तुम तो एक औरत हो, कैसे बचा सकती हो मेरी जान? बलताली खानम, अगर तुमने मुझसे जबान दराजी की तो ये कुल्हाड़ी तुम्हारे सर में मार दूंगी। तुम सिर्फ अपने मफाद के लिए लोगों को जिंदा रखती हो, तो अब बताओ मुझे मेरी जान क्यों बचाई तुमने? तुम कुछ लोगों के लिए बहुत अहम हो। उन्होंने मुझे हुक्म दिया था तुम्हें बचाने का। कौन है वो? कल उनसे मुलाकात होगी तुम्हारी। कौन है वो? किसने हुक्म दिया था तुम्हें? मैं नहीं जानती, मगर पाए तख्त में मैंने इससे पहले ऐसी हलचल नहीं देखी जो अब देख रही हूँ। कोई आ रहा है, मैं उसके कदमों की चाप सुन सकती हूँ। तुम खौफजदा हो? जिंदगी में पहली बार। चलो इस पे सवार होते हैं। अरे एहतियात से। छोड़िए हमें। क्या शुक्रिया नहीं कहेंगी? अगर आप ना भी पकड़ते तो हम संभल जाते। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे जान बचाई हो आपने हमारी। क्या है? मैंने तो कुछ नहीं कहा। बदतहजीब है, मुझसे बदतहजीबी बर्दाश्त नहीं होती। शुक्रिया, जा सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे सुल्तान मौज़म। आमीन। मलिका। सुल्तान मौज़म, हम लगा देते हैं। आप हमारी आंखों की ठंडक, दिल का करार, खुशी का बाइस, गम गुसार, मुसीबत में राहत, जिंदगी में बहार। माशाल्लाह बेहतर लग रही हैं आप।
नींद नाम की एक दोस्त हुआ करती थी जो आजकल हमसे रूठी हुई रहती है। हम हर रात उसे तलाश करते हैं। आप कहें तो सिपाहियों से तलाश करवाएं ताकि हम पहले की तरह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी देख सकें। आप फिक्र ना करें सुल्ताने मौसम, हमें हमारी दोस्त जल्द मिल जाएंगी। हमने सुना है आपके हालात भी हमसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, कल सारी रात आप काम करते रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी भारी होती है, बहुत भारी। इसीलिए आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैनब हमारा बहुत अच्छा ख्याल रख रही है, हम बहुत मुतमईन हैं उनसे। आप ठीक हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा मलिका, अपना ख्याल रखिए। जुमा की नमाज के बाद हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। हर लम्हा दुआ करते हैं आपके लिए, हर लम्हा। आ जाए। तो कैसा गुजरा आपका सफर? आपकी यादों में। मेरे लिए तैयार हो रहे हैं? अब्दुल हमीद के लिए, उसने मुझे बुलाया है। अंगूठी नहीं पहनी आपने, क्या आपने हमें छोड़कर अब्दुल हमीद का इंतखाब कर लिया है? मैंने अभी किसी का इंतखाब नहीं किया। मतलब आपने फैसला नहीं किया अब तक? ये मामला ही ऐसा है जिस पर पहले सोचना होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अब्दुल हमीद मुझे क्या पेशकश करता है और सुल्तान अब्दुल हमीद को मुझसे क्या चाहिए। बिल्कुल, सोच समझकर फैसला करना आपका हक है। ये बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? अब अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब्दुल हमीद के खिलाफ जाने से खौफजदा हैं आप? इसे पीकर आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। आपकी ताकत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरा जो भी फैसला होगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। बेसब्री से इंतजार है उस लम्हे का। अगर आपने गलत फैसला किया और वो अंगूठी नहीं पहनी तो आपको उस जहर की दवा नहीं मिलेगी फुआत, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं हूं शहजादी जैनब। अंदर आ जाइए जैनब। क्या आपको फिर से चक्कर आ रहे हैं? बैठ जाइए। मैं जानती हूं ये गलत है, लेकिन मैं अभी यही चाहती हूं। मैं इस तकलीफ से जान छुड़ाना चाहती हूं जो मुझे मेरे बुरे दिनों की याद दिलाती है। अगर बुरा ना माने तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपके खाविंद आपसे मोहब्बत नहीं करते।
क्योंकि एक दिल में दो औरतें नहीं रह सकती हैं। सुन के दुख हुआ, आप नहीं समझ सकती। जब आपको पता चले आपकी सारी खुशियां एक झूठ है तो कैसा महसूस होता है? आपने सही कहा, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये सब कुछ भुलाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। एक जड़ी बूटी है जिसे आप गर्म पानी में डालकर पिएंगी तो ये हमल साकत हो जाएगा। शुक्रिया ज़ैनब। मैं आपके लिए वो ले आई हूं। शुक्रिया ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आप कौन सी मस्जिद में जाना चाहेंगे? नमाज का वक्त हो गया है। आज तो जुम्मा है ना? जी हाँ मोहतरम, जुम्मे के दिन सुल्ताने मौज़्ज़म लोगों से मुलाकात करते हैं, हम जाएंगे ना? सब लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों में चले जाते हैं ना, और पूरे पाए तख्त में सन्नाटा हो जाता है, ना ही कोई काम होता है ना ही कोई खरीदारी। आपका क्या हुक्म है फुआत अफंदी? कोचवान को नमाज के लिए जाने दो, हम इस खाली शहर पाए तख्त में घूमते हैं, ठीक है ना? चलो चलते हैं। सुल्तान मौज़्ज़म, लोगों ने जुमे की नमाज के बाद आपकी खिदमत में कुछ दरख्वास्तें पेश की हैं, पढ़िए। पहली दरख्वास्त थी कि करमुर सेल में वालिद पुल की मरम्मत की जाए, उसकी मरम्मत हो चुकी है। नमाज जुमा में आपको दुआओं से नवाजा गया है सुल्तान मौज़्ज़म, खुशी का इजहार किया गया है। आपने अगली दरख्वास्त क्यों नहीं पढ़ी पाशा? वो पढ़ने के लायक नहीं थी। क्यों? एक दीवाने ने उसमें लिखा है कि आप उस दीवाने के मकरूज हैं। मैंने उसे महल बुलाकर कुछ रकम भी अदा की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहाँ है वो पाशा? वो यही है। बुलाइए पाशा। जी बेहतर। वैसल आफंदी को अंदर भेजो महाफिज। कहिए अफंदी, क्या बात है? सुल्तान मौज़्ज़म, आप मेरे मकरूज हैं और हम आपके मकरूज कैसे हुए? सुल्तान मौज़्ज़म, मैं तिजारत करता हूं, कारोबार में नुकसान हो गया और मैं कर्जों के बोझ तले दब गया। मैं हर रात अल्लाह से दुआएं करता हूं मोहतरम। मोहतरम, सुल्तान मौज़्ज़म ने पूछा कि वो आपके मकरूज कैसे हुए। जी बताता हूँ, मैं हर रात अल्लाह से दुआएं करता हूँ। मैं गुज़िश्ता शब मुझे ख्वाब में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया,
मेरे हमीद से कहो कि हर रात वो हम पे दुरूद सलाम भेजता है, लेकिन कल रात वो भूल गया। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम उसके पास जाओ और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो उससे। क्या फरमाया उन्होंने? मेरे हमीद से कहो कि ये ले जावन ने हमें एक बार फिर बताइए क्या फरमाया उन्होंने। मेरे हमीद से ये लीजिए, फिर बताइए क्या फरमाया उन्होंने। पैगंबर अकरम ने मुझसे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो ये लीजिए, एक बार फिर बताइए हमें। मेरे हमीद से कहो ये लीजिए। वातरम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? काफी है पाशा, इससे सारा कर्ज अदा हो जाएगा मेरा। अल्लाह सलामत रखे। सुल्तान, मुझे खदशा था कि आप उसे सारी दौलत दे देंगे। दौलत क्या चीज है पाशा? अल्लाह जुलजलाल की कसम, अगर वो हमसे हमारी सल्तनत भी मांगता तो दे देते। कल रात हम पाशा काम करते करते मेज पर ही सो गए। सलावात भेजना भूल कर कोताही हो गई पाशा, अल्लाह हमें माफ करे। आपने इस तरह बुलाया है तो जरूर कोई अहम बात होगी। वो खबर आ गई जिसका सालों से इंतजार था। पाया तख्त में बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी है। आप ख्वाब देख रहे हैं कारासू, जाग जाइए। हमारे ख्वाब सच होने वाले हैं। इस बार अब्दुल हमीद हारेगा। वो दिन जल्द आने वाला है जब वो तख्त से उतर जाएगा। हाँ, और आप उसे तख्त से उतारेंगे। उसे तख्त से उतरते हुए देखना मेरी आंखों की सबसे बड़ी हसरत है, लेकिन इतनी ताकत नहीं मुझ में। हाँ, लेकिन कुछ और ताकतवर लोग भी हैं जिनकी यही ख्वाहिश है। बहुत खूब, अल्लाह आपको हिम्मत दे। तो क्या आप हमारे साथ नहीं? हार मान ली क्या? मुझे तो लगता था कि आप एक बहादुर आदमी हैं और अपने इरादे में पुख्ता हैं बहुत। से क्या चाहते हैं? जो कुछ हुआ उसके बाद वो मेरे बारे में मोहतात है। शायद मैं आपके लिए कुछ ना कर सकूं। अब्दुल कादिर से पहले की तरह दोस्ती कर लें, इतना ही काफी है। मुझ पर सबसे ज्यादा शक अब्दुल कादिर को ही है। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे अभी मार डालेगा। उससे पहले जैसी दोस्ती करना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि आप जैसा जहीन इंसान उसके करीब होने का
कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। अगर मुझे इसका यकीन ना होता तो तुम यहाँ बैठे ना होते। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात अच्छी तरह समझ गए होंगे। मेरी सुल्ताना, लिबास नहीं मिल सका, दर्जी गांव चला गया है। तो जैसे ही दर्जी वापस आए उसे महल बुलाए, हम उस लिबास को देखना चाहते हैं। जो हुक्म सुल्ताना। क्या हुआ वालिदा, नया लिबास मंगवाया है कोई? नहीं, हम उस लिबास को देखना चाहते हैं जो हमने हादसे के वक्त पहना हुआ था। क्यों, आप उस लिबास को क्यों देखना चाहती हैं? नायमे, हमने ख्वाब में देखा था कि हमारे लिबास का बाजू फट गया है, इसलिए हम उस लिबास को देखना चाहते हैं। आपने पुप्पी को देखा था, वो आपको किस तरह देख रही थी? मुझे खदशा है कि आपकी तबीयत बिगड़ ना जाए। वालिदा, आप परेशान ना हो। देखिए, हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। ये तो आपका है, आप ये हमें दे रही हैं। ये आपको आपके बाबा ने दिया था जी, कमालुद्दीन से हमारी शादी के वक्त। मैं उस शादी की हर याद को मिटाना चाहती हूँ। वो यादें मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं देती हैं। लगता है इससे आपको ज्यादा खुशी होगी, इसलिए हम आपके लिए ये तोहफा ले आए। आपको क्या लगता है, ये जेवर हमें देने से आपका दुख और तकलीफ कम हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी यादों से भागना चाहती हैं। नाइमे, आप चाहे जितना भाग लें, उसे जहां मर्जी छुपा लें, चाहे उसे गहरी जमीन में दफन क्यों ना करते, मगर आपका दर्द खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर अल्लाह आपको उस गम से बड़ी खुशी देगा। जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपके सारे दुख और तकालीफ दूर हो जाएंगी, और फिर उस दिन आप ये जेवर जरूर पहनेंगी। ये आपका उन यादों से लड़ने का तोहफा होगा, और आप इसे खुशी से कबूल करेंगी। आप लोग यहाँ पर अकेले हैं, क्या बातें हो रही हैं? आप हसद न कीजिए, आइए हमारे साथ बैठकर बातें करें। यहाँ बैठकर बातें करने से ज्यादा अच्छा काम है हमारे पास। और वो क्या है? क्या बात है अब्दुल कादर, बहुत खुश लग रहे हैं। चचा आए हैं। अच्छा, कब आए वो? बस अभी आए, और शायद इस वक्त सुल्तान मौसम के साथ होंगे। हमारे दोस्त को अंदर भेजिए। जी, बहुत बेहतर। खुशामदीद। आपकी दोस्ती बाइसे शर्फ है सुल्तान मौजम। आपका दोस्त, आपका वफादार, आपकी खिदमत में हाजिर है। लगता है आपके पास हमें बताने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ। क्या आप कामयाब हुए? मैं उस मुलाकात में शामिल था। 13 बड़े खानदान उस्मानी रियासत के टुकड़े करने के लिए जमा हुए थे। ये खानदान एक साथ मिलकर दो मुल्क बनाएंगे, जिसके लिए बरतानवी और रूसी कायदीन की रिवाल में मुलाकात होगी। और ये मुलाकात कब होगी? 1 महीने के अंदर। इस अमल के बाद उस्मानी रियासत खत्म हो जाएगी, और इसके लिए एक नायब भी मुकर्रर किया गया है, मगर मुझे उस नायब के बारे में कोई इल्म नहीं। ये मुलाकात कहाँ हुई? वो लोग बहुत मोहतात थे, मुझे वहाँ ले जाते हुए मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, इसलिए उस जगह को नहीं जान सका सुल्तान मौसम। मुलाकात के दौरान भी मेरी आंखें बंद थी, मैंने कुछ नहीं देखा।
असली मालिक, अगर आप हमें यहां रोकने के लिए आई हैं तो आप जा सकती हैं। इसकी जरूरत नहीं है, मोहम्मद सलीम सब जान चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। वो जानते हैं कि हमने झूठ बोला, हम उम्मीद से हैं। आप किसी और का बच्चा लाने वाली थी। मोहम्मद सलीम को जब सुल्ताने मौजम को बताने के लिए कोई बहाना मिल जाएगा वो हमें तलाक दे देंगे। मतलब वो सुल्तान से सच छुपाएंगे? अगर उन्होंने सच बताया तो हम शर्म से मर जाएंगे। खुदा के लिए आप भी उन्हें मत बताइएगा। आपको तकलीफ हो रही है ना? हम मोहम्मद सलीम के बगैर नहीं जी सकते। आप नहीं जिएंगी क्योंकि आप जीने के लायक ही नहीं। आपने हमारी बहन को मारा और ये बात साबित करेंगे हम। नहीं, और फिर आपकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। जो कुछ सुना वो सच है मिस्टर मलिक? मैंने सिर्फ उसकी आवाज सुनी, मैं उसे पहचान नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज ना तो जवान थी और ना ही जईफ। हमें हर हाल में उस शख्स को जानना है जिसे रुथचाइल्ड ने नायब बनाया है। जनाब रुथचाइल्ड उस मुलाकात में नहीं थे मेरे सुल्तान। वहां दीगर बड़े खानदान तो थे लेकिन वो मौजूद नहीं थे, और नायब कौन होगा मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूं कि उसने अभी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आ जाएं। सुल्तान मौसम, आपके मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अंदर भेजिए उन्हें। सुल्तान मौसम, खुश आमदीद, आइए। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। खदीफ खानदान से फुआद अफंदी, वेम्बरी अफंदी। माशाल्लाह, हर कोई आपकी कामयाबी के गुण गा रहा है। हमारा मकसद तो सिर्फ खिदमत करना है। खिदमत अच्छी बात है, लेकिन किसकी? खिदमत गुजार लोगों की हमेशा ही तलाश रहती है। खिदमत करते भी हैं और करवाते भी हैं। हमने सुना है कि अंग्रेजों ने आपको अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, क्या ये बात दुरुस्त है? वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। फातफंदी, अंग्रेज पहले आपकी इज्जत करते हैं, वो आपकी कामयाबी, जहानत और अकलमंदी की कदर करते हैं, फिर इसके बदले आप भी उनकी कदर करने लगते हैं। वो आपको ताकत से, दौलत से और शोहरत से नवाजते हैं। दुनिया में आपका नाम मशहूर हो जाता है, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी रूह तक को उनके हवाले कर देते हैं, जिंदगी भर के लिए गुलाम बन जाते हैं उनके। फुआद अफंदी, आपके वालिद उनसे खबरदार नहीं रह पाए, इसलिए उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन हमें उम्मीद है कि आप वो गलतियां नहीं दोहराना चाहेंगे जो आपके वालिद ने की थी। बिल्कुल मेरे सुल्तान। क्या हम आप पर एतबार कर सकते हैं फुआद अफंदी? जी, कर सकते हैं।
तहसीन पाशा, कुछ अरसे के लिए फुआत अफंदी को महल में मेहमान ठहराइए। हम उन्हें अपनी नजरों के सामने रखना चाहते हैं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। फेंको, फेंको। जब हमारे अंदर भी कुछ अजीब चल रहा होता है तो हम भी उस वक्त निशानाबाजी करते हैं भाई। तो आपको लगता है हमारे अंदर कुछ अजीब चल रहा है? फेंको। आप हमें अपना मसला बता सकते हैं? इतने बड़े हो गए हैं हम। कोई मसला नहीं है। फेंको। हंदान का बच्चा जाया हो गया, हम जानते हैं। आपको कैसे पता चला? मिसली मलिक और हंदान बात कर रही थी। फेंको। मैं कोई मुनासिब वक्त देखकर बाबा को खुद बता दूंगा। फिलहाल किसी को मत बताइएगा। मिसली मलिक को भी समझा दीजिएगा। फेंको। क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? किसी को कुछ ना पता चले इतना काफी है, वरना मेरा दर्द और शर्मिंदगी बढ़ जाएगी। फेंको। सुने, फौत कहाँ है? क्या आप उनके साथ नहीं थे? जी, मैं उनके साथ ही महल गया था। जब वो सुल्तान से मिलकर आए तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं होटल चला जाऊं, वो वहीं कयाम करेंगे। उससे मुझे मिलना होगा। चाचा, हम घंटों से पैदल चल रहे हैं, आखिर आप किसे तलाश कर रहे हैं? हम अपने एक दोस्त को तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर बताइए उसका ठिकाना कहाँ है? अच्छे जासूस का कोई ठिकाना नहीं होता। मिल गया वो उस्मान। चाचा, क्या आप इतनी देर से एक डाकिये को तलाश कर रहे थे? तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं चाचा, ये मतलब नहीं था। मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें ये डाकिया पसंद नहीं आया? तुम वहां जाओ और साले आफंदी से मिलो, उससे पूछना कि कुंभरा की 12 नंबर गली में कौन रहता है और क्या पका रहा है। चलो जाओ भी अब उस्मान। बात सुनिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर जहमत ना हो तो कुछ पूछना है आपसे। मालूम हुआ तो बताऊंगा, पूछो। कुमरा की गली नंबर 12 में कौन रहता है और खाने में क्या पकाया है उसने? वहां एक बुजुर्ग खातून है, भेड़ की सिरी बनाई है उन्होंने। भेड़ की सिरी? तुम सऊदी उस्मान हो ना, और तुम्हें अर्तुरुल दस्ते से चुना गया था। तुम्हें वापस भेजा जा रहा था क्योंकि तुम्हारा भाई हमजा शहीद हो गया था। तुम अपने खानदान के इकलौते फर्जंद थे, लेकिन तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत था, इसीलिए सुल्तान ने तुम्हें सऊद वापस नहीं भेजा। और कुछ पूछना है तुम्हें? मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। हमने सुना है कि चाचा पाए तख्त वापस आ गए हैं, तुम उन्हें मेरा सलाम कहना और बताना कि मैं उनका मुंतजर हूं। वो आपके मुंतजर हैं। चलिए। मेरे बाबा इस बिस्तर पर मरे थे, उनकी यादें अभी भी इस बिस्तर पर मौजूद हैं। बाबा ने पूरे मिस्र को शानदार वक्त दिखाया। उन्होंने मशरक और मगरिब की सारी खूबसूरती से हमें रोशनास करवाया।
तुम्हें पता है इसके बदले उन्हें क्या मिला? अब्दुल हमीद ने उन्हें उन्हीं के तख्त से माजूल कर दिया। मेरे बाबा को उन्हीं की जमीन से जिला वतन करके यहां इस कमरे में कैद कर दिया और वो यही मर गए। मैं कसम खाता हूं अब्दुल हमीद से इसका हिसाब जरूर लूंगा। कसम खाता हूं। आप ठीक हैं जनाब? जनाब क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए फुआत अफंदी। तुम हटो, लिटाओ इन्हें, पीछे हटो तुम। कसम खाता हूं सदमे की वजह से हुआ है, ये पिलाने दो। मैं कसम। इससे पहले कि रूस और बर्तानिया का इत्तेहाद हो, हम रूस से इत्तेहाद कर लेंगे। बचपन में भी आपको हरा दिया करता था। जब आप बच्चे थे तब मैं जानबूझकर हारा करता था ताकि आप खुश हो जाएं शहजादे। मोहम्मद सलीम पर भी तवज्जो थी हमारी, वो बहुत परेशान लग रहे थे। क्या आपके इल्म में है कि मामला क्या है? तुमने बचाया है मुझे। तुम्हें एडवर्ड चोरिस ने बचाया है। पाए तख्त हासिल करना चाहते हैं वो। तुर्कों ने अभी तक बाकू को नहीं बुलाया सफीर अफंदी, सुल्तान मौजम को भी अभी तक याद है। क्या आपको वो जड़ी बूटी मिली? मैंने उसे उबाल लिया है, तकरीबन तैयार है।